पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आएगा, हत्या का मुकदमा होगा, हैंगिंग आएगा, 306 का मुकदमा होगा। लेकिन आपको संतोष क्यों, आप दलील दीजिए, मुकदमा दिखाते हैं, दलील दे दीजिए, मैं मुकदमा तो हो गया, मैं लिखा रहा हूँ 302 का मुकदमा, मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है सर, जो पोस्टमार्टम आएगा कार्रवाई। ठीक सर, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, जाओ जाओ, चलो करो, चलो चलो। क्या नाम है आपका? किशन गुप्ता। किशन गुप्ता जी, आप यहाँ आज मोर्चरी पे आए हैं, क्या मामला है? हमारी भांजी की कल फांसी लगा कर मार दिया गया, फंदे पे लटका दिया। किसने मार दिया है? प्रशांत गुप्ता, राजा गुप्ता, राजकिशोर गुप्ता, शिवानी गुप्ता। कौन है ये? ये राजा गुप्ता जो है ये देवर है, शिवानी गुप्ता देवरानी है, और प्रशांत गुप्ता हस्बैंड थे, इसके पति थे प्रियंका के, और राजकिशोर ससुर है। अच्छा, इसका प्रियंका का मायका कहाँ पे है? मायका है वो छे के अंदर। कुरावली थाना अंतर्गत एक विवाहिता जिसकी 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, कल उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके मायके वालों द्वारा हत्या की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिनांक 9 अक्टूबर को जिस दिन वाल्मीकि जयंती का जुलूस चल रहा था पूरे जनपद में, और जनपद की पुलिस वाल्मीकि जयंती के जुलूस को सकुशल संपन्न कराने में व्यस्त थी, दो अभियुक्तों के द्वारा एक बाइक सवार महिला से लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें उस महिला का पर्स के अंदर कुछ सामान, कुछ ज्वेलरी और कैश रखा था, और मोबाइल फ़ोन, ये लूट लिया गया था। इस घटना का थाना नौता पुलिस ने सफल अनावरण किया है, इसमें दो अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया गया है, और अभियुक्तों के पास से 100% बरामदगी हुई है। मोबाइल फ़ोन, पर्स में रखा हुआ जो कैश था पूरा 1300 रुपये, और सारी ज्वेलरी उसको बरामद किया है। इसके साथ साथ अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल, इस मोटरसाइकिल से उन्होंने लूट कारित की थी, और एक तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और जेल भेजा जा रहा है। अभी तक कोई इनका आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया कि शराब के नशे में और तैश में आके इनके द्वारा ये घटना की गई, लेकिन और हमारे द्वारा जांच की जा रही है, और आपराधिक इतिहास आएगा तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। देखिए, इस तरह की बात नहीं सामने आई, क्योंकि जब जो पूछताछ में इन्होंने बताया और कन्विंसिंग भी है कि जब ये घटना कारित की इन्होंने, तो ये ठीक ठाक नशे में धुत थे और उसी नशे के प्रभाव में आके घटना कारित की। उम्र इनकी काफ़ी कम है, अभी 20-21 साल के लड़के हैं, तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी इसमें।